जोहार। इंसान अपनी भावनाओं और विचारों को भले ही भाषा और लिपि दोनों ही माध्यम से व्यक्त करता है, लेकिन किसी भाषा को स्थायित्व देने के लिए लिपि एक आवश्यक माध्यम है। झारखंड सहित पूर्व मध्य इलाके में बोली जाने वाली संथाली भाषा एक जनजातीय भाषा है जो एस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है। भाषा का यह परिवार 3500 से 4000 साल पुरानी मानी जाती है। दुनिया के अन्य देशों में एस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा समृद्ध होती रही, परंतु जनजातीय भाषाओं के लिपि में सामंजस्य नहीं होने के कारण इस भाषाओं को कई लिपियों में लिखा जाता रहा। लिपि के अभाव में इसका साहित्यिक विकास बहुत हद तक अवरुद्ध रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी भाषा की अपनी लिपि ही उसके विकास का पैमाना तय करती है, परंतु ऐसा जरूर है कि जिस भाषा की अपनी लिपि रही है वैसी भाषाएं संभाग और सरहदों को पार करने में समय नहीं लगाती। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में पंडित रघुनाथ मुर्मू एक ऐसे शख्सियत हुए जिन्होंने ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया और संथाली भाषा को अपनी लिपि मिली। पंडित रघुनाथ मुर्मू का जन्म 5 मई 1905 को उड़ीसा में हुआ था। उन्होंने 20 वर्ष की उम्र में ही ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया था और उम्र के अंतिम पड़ाव तक इस लिपि के माध्यम से संथाली साहित्य से जुड़े रहे। 1 फरवरी 1982 को उनका देहांत हुआ। ओल चिकी लिपि के विकास के बाद संथाली भाषा और साहित्य में काफी विकास देखा गया। ओल चिकी लिपि बाएं से दाईं लिखी जाती है जिसमें 30 अक्षर होते हैं। 1925 के पूर्व और कहें तो कुछ हद तक उसके बाद भी संथाली भाषा को देवनागरी लिपि रोमन लिपि में लिखा जाता था। वर्ष 1939 में पहली बार ओल चिकी लिपि को प्रकाशित किया गया। ओल चिकी लिपि के आविष्कार के बाद संथाली भाषा अपने विकास की लंबी यात्रा तय की और आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा के रूप में इसे मान्यता प्राप्त हुई। वर्ष 2003 में संविधान के 92वें संशोधन के माध्यम से अन्य भाषाओं के साथ संथाली भाषा को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में भी स्थान प्राप्त हुआ। आज भारत के संविधान का भी ओल चिकी लिपि में अनुवाद हो चुका है। ओल चिकी लिपि को ओल चमेट, ओल सिकी या संथाली वर्णवाला भी कहा जाता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने न केवल ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया बल्कि उस लिपि में अनेक साहित्य और कविताओं का संग्रहों की रचना भी की। इस लिपि के आविष्कार करने के उपरांत पंडित रघुनाथ मुर्मू को गुरु गोमके और पंडित की उपाधि भी दी गई। आज झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय भाषा में एक बड़े भाषाविद के नाम से जाने जाते हैं। वर्तमान झारखंड सरकार ने उनके नाम से पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय भी खोले जाने का निर्णय लिया है।